expectation and imagination. We had never thought that we would be here and talking with Indian media and Indian audience. It's like, as I said, above and beyond everything we have ever imagined. Yeah, just like he said, it was very unexpected, something that I've never thought would happen, you know. And, I'm very excited and happy about it. Talking about project, बहुत larger than life series को criticize किया गया है. How was the experience and कितना ज़्यादा you know inspiring होगा दूसरे filmmakers के लिए इसमें जो है. जब भी आप कोई पहाड़ियों के या फिर mountains के पास जाओगे ना, तो आपने आपको बहुत छोटा feel करोगे कि इसका grandness इतना होता है ना. अगर हम ये जितने भी capture कर पाएं, ये तो कुछ भी नहीं. जब आप वहाँ पे real life location पे पहुँचते हो, तो आपको feel होता है कि हम तो कुछ भी नहीं है. ego attitude कुछ matter नहीं करता. world में इतना ज़्यादा monumental, इतना ज़्यादा grandeur चीज़ है जिसके सामने हम कुछ भी नहीं. जब भी अर्थक्वेक आती है, तो हम सबको फील होती है कि ये एक सेकंड में क्या कर पाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को देख करके. नहीं तो उसी तरीके से हमें भी लगा कि हमें कुछ बड़ा तो करना है नेपाली फिल्मों के लिए, लेकिन कर क्या सकते हैं. इतना ज़्यादा बजट तो होता नहीं कि इतना ज़्यादा इमेजिनेशन करके VFX वगैरह सोच सके. लेकिन हमारे पास नेचुरली गॉड गिफ्टेड लोकेशन है. जिस चीज़ को हम कैप्चर करके दिखा पाए ना, तो अपने आप में वो बड़ी से भी बड़ी VFX वाली पिक्चर से भी ज़्यादा पसंद आ सकती है लोगों को. तो हम जा करके उधर फिल्म करने लगे, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आई स्नोफॉल की वजह से. और जो 60 डेज का शेड्यूल था, वो बढ़ के 100 से ऊपर का हो गया था. लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस था, -27 -29 तक का टेम्परेचर ज़्यादा था. बहुत तकलीफ के बाद आई है ये पिक्चर. यू नो मनीषा को मतलब बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में फ्रॉम नेपाल. एंड क्या कहना चाहेंगे कि डू हैव एस्पिरेशंस टू बी पार्ट ऑफ नेपाल इंडस्ट्री ऑनली कि बॉलीवुड में ट्राई करने वाले हैं आप आगे. मैंने ऐसा कभी भी मैंने कुछ भी प्लान किया है या फिर कुछ सोचा है तो वो नहीं होता. तो मैं प्लान करके कुछ नहीं करती. लेकिन मनीषा कोइराला जी सी इज़ माई इंस्पिरेशन एंड obviously I hope to work here as well. And what's the forthcoming project you're looking for? Any project you're working in? Right now we are on a scripting phase, but we don't know actually how this film will perform. Then only we can decide the budget and everything rest. We just have a central idea that we are going to work on this one, but how big it's going to be, we haven't decided it yet. It will be from Nepal and it will be filmed in the similar locations, but yet we don't know how grand we can make it. What are you planning something to work? नेक्स्ट प्रोजेक्ट और बुकिंग फॉर प्रोजेक्ट राइट नाउ? अभी के लिए कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी प्लान किया नहीं हुआ है. मैं पहले तो मेरा फर्स्ट फिल्म है ना, तो उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ. लोग मेरे को कितना पसंद करते हैं, मेरे काम को कितना लाइक करते हैं. उसके लोगों को पसंद आ रहा है उसकी तो खुशी बहुत ही है मुझे. एज अ प्रोड्यूसर हम लोग जो साथ में सभी लोग जुड़े हैं, बहुत ही पब्लिक ने इसको पसंद किया और आप लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया. थैंक यू सो मच मीडिया कि आप इतना अच्छा यहाँ पर आए, सब लोगों ने टाइम दिया गणेश चतुर्थी में. मैं सभी का बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद और आभारी हूँ. मैं कोई नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे योगी जी? मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है. मैंने 100,000 मूवी जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, साउथ इंडियन, भोजपुरी सब फिल्म का काम किया है, लेकिन नेपाली फिल्म का काम, जैसे आजकल साउथ इंडियन फिल्म का ट्रेंड है मैंने देखा है, वैसे नेपाली फिल्म का ट्रैक मैंने देखा. जो ट्रेलर देखा तो मुझे अच्छा लगा और इमीडिएटली मैं इस फिल्म से जुड़ गया हूँ. और बहुत बड़ी बात है कि इतने फिल्म का जो ट्रेलर है ना, बहुत बहुत जोरदार लुक्स है और अच्छा हिमालय का सीन सीनरी और फाइट एक्शन लव स्टोरी सब है. तो मुझे आशा है कि ये फिल्म 100% वर्क करेगी. मैडम आप क्या कहना चाहोगी ट्रेलर वर्क पे? आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो बहुत ही खुश हूँ मैं. रिएक्शंस ट्रेलर से पहले भी, टीजर से ही बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही प्यार मिला है आप लोगों की तरफ से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ. आप लोगों को पसंद आई होगी. आप लोग 23 सितंबर ना भूलें, पहली दफ़ा आ रही है, तो आप लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे आगे हमारी जर्नी, सेट ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, ये सब डिटरमिन इस पॉइंट से होता है. तो आपको अगर ये पसंद है एक अलग टाइप की फ्लेवर, जैसे कि गार्डन में बहुत सारी फूल होने पर ब्यूटीफुल लगती है ना, ब्लैक एंड वाइट होने से तो उतनी अच्छी नहीं लगती, उसी तरीके से एक और ऐड हो रहा है फूल फ्लावर, तो इस तरीके से लेंगे तो एक अलग अलग टेस्ट की पिक्चर भी आना चालू होगा हमारी बेल्ट की तरफ से. तो वही है, आप सबके साथ सपोर्ट की आवश्यकता है अभी. थैंक यू. एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इंडिया में आप आए हैं, किस तरह का रिस्पांस है आपको और कितना प्यार मिल रहा है?
ये तो बहुत बहुत बढ़िया प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रही है। अभी देखिए ऑडियंस के पास तो हम अभी तक तो गए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले जो भी स्टेजेस आती है ना, जैसे कि पोस्ट प्रोडक्शन के पास, जब प्रमोशन के वक्त, ऐसे मीडिया के सबसे प्यार मिल रही है। सुभाष सर, योगेश सर, सब ने इतना ट्रस्ट किया प्रशांत सर, क्योंकि ये तो नई चीज़ थी, नई ट्रायल थी, तो इसमें रिस्क लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब के लिए मैं ये अपने जो भी पोस्ट के और प्रमोशन के बाद जो भी जुट रहे हैं प्रोड्यूसर्स के टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार फील करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की ट्रस्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और अगली बार अगर रिलीज़ के वक्त अगर ऑडियंस प्यार करते हैं, तो इन लोगों जो जिन्होंने भी हमें बैकअप करने की डिसीजन ली, उन लोगों की रेस्पेक्ट होगी। वो हमारी हमें सपोर्ट करने की डिसीजन में जो इन्होंने ली थी, तो इन लोगों को तब जाके एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू। इसके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी यहाँ पर आए थे आपको आशीर्वाद देने के लिए, हाँ जी, कहना चाहेंगे? वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा, शायद सुभाष सर ने प्लान किया। सुभाष सर का इतना ज़्यादा सबको प्यार है सुभाष सर के लिए, तो अभी थोड़ा बहुत इनके हिसाब इनके लिए जो प्यार है वो हमें भी मिलने लगी है, तो बहुत। और बेंगलोर, दिल्ली, अभी प्रमोशनल एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, UFO डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है जो 500 स्क्रीन में करेंगे, और ओवरसीज का जो रिलीज़ कर रहे हैं वो मधु इंटरटेनमेंट मीडिया लिमिटेड है, वो कर रहे हैं, वो 500 स्क्रीन में कर रहे हैं, और नेपाल में 200 स्क्रीन पे हो रही है। 23 सितंबर को रिलीज़ होगी ये फिल्म। ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मानी जा रही है इसे, इंडिया में भी ये फिल्म का जो थर्ड सीजन है वो लॉन्च हो रहा है, तो कितनी तैयारियां और कितना जिम्मेदारी है आपके कंधे पर कि हाँ इसे फुलफिल किया? मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश मैंने की है, जो भी बॉलीवुड का जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे पोस्टर लॉन्च से लेके तो रिलीज़ के बाद तक का पूरा तैयारी मैंने की है, काफ़ी प्लानिंग किया है इस चीज़ के लिए। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो होती है नॉर्मल जो भी बड़ी फिल्मों की होती है, वो सेम हम लोग कर रहे हैं, उस प्रोसेस से जाहिर है। अभी देखें कि पब्लिक ने अगर हमें प्यार और आशीर्वाद दिया और इस फिल्म को देखा, तो काफ़ी हमें खुशी होगी कि एक इंडो नेपाली फिल्म, और इसमें खास तौर पर बात यह है कि इंडियन टेक्नीशियन, काफ़ी टेक्नीशियन ने इसमें काम किया, जैसे कि संजय संकला जो बहुत बड़े एडिटर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कल होना कुछ कुछ होता है, अमर मोहिले ने बैकग्राउंड किया है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं टेक्निकली, जो देखते हैं अभी पब्लिक ने प्यार दिया तो सुपरहिट होगी फिल्म। राइट आउटडोर जुड़ा हुआ है आपके साथ में, योगेश जी जुड़े हुए हैं, हाँ, कितना उसको इनकैश करने वाले हैं? योगेश जी को इनकैश करने का तो अभी काफ़ी लोग तो करते हैं, मगर मेरे तो भाई बड़े, हमने तो कैश करने की कभी ये नहीं की उनको कोशिश। वो इस फिल्म के साथ एक दिल से एज अ प्रोड्यूसर जुड़े हैं, और क्रिएटिवली वो पहले से ही हमारे साथ में हैं इस फिल्म के साथ। पार्ट वन पार्ट टू हिट था, उसके बाद थर्ड में भी जैसे मैं क्रिएटिवली जुड़ा, तो हम लोग आपस में बातें करते रहते थे काफ़ी कि इससे साथ जुड़े इस फिल्म के साथ, तो पहले से क्रिएटिवली जुड़े हैं। एज अ अभी सिर्फ होल्डिंग पार्टनर करके नहीं जुड़े, तो एज अ फाइनेंशियली कमर्शियली एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े इस फिल्म के साथ, इसीलिए तो वर्ल्ड वाइड ये 1500 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है फिल्म। इंडिया में जितने भी सुपरस्टार हैं ना, उनकी पहली पिक्चर मैंने की है, तो नेपाल की भी फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हो रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि मैं लकी हूँ, तो इनका भी लक और मेरा लक और इनका फ्यूचर ब्राइट हो है, और मेरी 25 सितंबर का बर्थडे है, तो इनका पिक्चर हिट हो है, तो मेरे ट्रीजर को मिला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, वो प्यार बरकरार रहे, और वो 23 सितंबर को एक बार स्क्रीन पर जाके देखेंगे तो वो बड़ा ही जो प्यार आएगा उसको तहे दिल से। आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम शायद हिमालय को अच्छी तरह देखे होंगे पर्दे में, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग का तो एक प्रयास था, मैंने बताया था ना कि हम लोग किस कंडीशन में वहाँ पे शूटिंग किए थे, थैंक्स टू मिस्टर संतोष सेन जी, है ना, सो इट वाज आउट एंड आउट ऑफ टीम वर्क, और क्या बोलते हैं, मेहनत रंग लेके आई, क्या है ना, एक तो आई थिंक टीजर पसंद किया, वो रिजल्ट वही है, हमारा टीम का एक मेहनत था उधर, एक पसीना वो उधर मिला है एक शॉर्ट शॉट में, इसीलिए वो ये आया। मोहनदीप को आपने कंपोजर भी बना दिया है, उसकी वजह क्या है? वो हमारा नेपाल से बहुत करीब है ना, वो हम तो पड़ोसी जैसा है, उन उधर का जो पहाड़ियों में रहते हैं, हम भी पहाड़ियों में रहते हैं, इसीलिए वो बहुत टैलेंटेड भी है, मल्टी टैलेंटेड है, वो इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज करते, इतना वो इंस्ट्रूमेंट बजाते,
इसलिए वो उनका जो टैलेंट इसमें भी जुड़े, इसलिए हमने उनको कंपोजर बनाया। काफ़ी सारे डायरेक्टर किया है महेश मांजरेकर जी, यानी इस बदले क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी, इट वॉज अ नाइस गिफ्ट फॉर अस। एक शुरुआत में ही उन लोगों का हाथ होना हमारे ऊपर, आई थिंक इट्स अ बिग ओकेशन एंड वी आर ग्रेटफुल कि इंद्र सर आए, महेश जी आए हुए हैं, हमारे शेडी साहब के भी बिग बॉस आए हुए हैं, सो इट वॉज अजीम साहब आए, अजीत साहब आते। सो